क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। गैस क्या आपका रेट है? वो 73 रुपए 75 रुपए हो गए। दारू कर दी सस्ती, सीएनजी कर दी महंगी। गरीब आदमी क्या करे, मरेगा? आप बताइए इस बात को। बस फ्री कर दी है, बताओ। बस फ्री कर दी, लेडीज लोगों के लिए स्वेटर बुनती रहती है बैठी बैठी, घर में कोई काम नहीं करती। अच्छा, और हम ड्राइवर रोड पर खड़े होने के बावजूद भी सीएनजी 73 रुपए है। शराब जो एक के साथ एक फ्री है, जो महंगी कम करो, हमारी मांगे पूरी करो, सीएनजी का रेट घटाओ तभी हम मानेंगे, नहीं तो हड़ताल में बैठेंगे। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, 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 ड्राइवर रखा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। करनाल बाईपास प्रीपेड बूथ से हम गाड़ी लगाते हैं। हाँ जी, इससे पहले ऑटो वालों को यूज़ किया गया है केजरीवाल जी ने, जब उनको खुद को वोट चाहिए थी और अपने दिल्ली में अपनी सरकार बनानी थी, तो ऑटो वालों के पीछे अपना ऐड लगा लगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। क्या बोलना चाहते हो हड़ताल को लेकर के? गैस सीएनजी 3 महंगी कर रखी है, मीटर जो पास कर रखे 35 रुपए थे उस टाइम, सीएनजी थी 35 रुपए और मीटर अब हमारे वही 35 रुपए, अभी वही रेट है। और गैस क्या आपका रेट है? वो 73 रुपए 75 रुपए हो गए। दारू कर दी सस्ती, सीएनजी कर दी महंगी। गरीब आदमी क्या करे, मरेगा? आप बताइए इस बात को। बस फ्री कर दी है, बताओ। बस फ्री कर दी, लेडीज लोगों के लिए स्वेटर बुनती रहती है बैठी बैठी, घर में कोई काम नहीं करती। अच्छा, और हम ड्राइवर रोड पर खड़े होने के बावजूद भी सीएनजी 73 रुपए है। शराब जो एक के साथ एक फ्री है, जो महंगी करनी चाहिए वो सस्ती कर दी है, जो सस्ती करनी चाहिए वो महंगी कर दी है। कहाँ खड़े हैं आप, क्या है वजह आज इकट्ठा होने की? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। करनाल बाईपास प्रीपेड बूथ पे हम गाड़ी लगाते हैं। हाँ जी, तो आज पूरी तरह पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक है, 18 और 19 की। सर जैसे सीएनजी के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम सर बहुत बढ़ चुके हैं। कितने बढ़े हैं? पहले 38 रुपए थी, अब 72 रुपए हो चुकी है। तो कितना ऐसे आपको नुकसान कैसे है इसमें? नुकसान ऐसे है कि हमारा किराया बढ़ाना है, लेकिन हम किराया नहीं बढ़वाना चाहते, हम सीएनजी कम करवाना चाहते हैं। जैसे डीटीसी को आप 35 रुपए सीएनजी दे रहे हो 35 रुपए किलो, तो हमारे को भी 35 रुपए दी जाए, या हमारे हमारे लिए सब्सिडी दी जाए। मैं आज का आज कहाँ कहाँ पे हड़ताल हो रही है, किस किस की हो रही है, ऑटो की हो रही है, टैक्सी हो रही है, क्या है पूरी वजह बताइए? ऑटो यूनियन, टैक्सी, ऑटो सब चालक हड़ताल है। हाँ जी सर, पूरी दिल्ली क्यों है हड़ताल आज? पूरी सीएनजी कीमतें बढ़ गई है, इसके कारण हड़ताल। मेरा नाम बिजेंद्र सिंह है, मैं बाईपास पे ऑटो चलाता हूँ। गैस के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, 30-30 रुपए 35-35 रुपए बढ़ गए। हम नहीं चाहते कि किराया बढ़े। अच्छा, गैस के पैसे कम होने चाहिए, हमारी हालत बहुत खराब है। कहाँ पर खड़े हो और क्या टैक्सी और आपको ऑटो नहीं मिल रहा? ये बाईपास पे खड़े हुए हैं और कोई ऑटो वाला जाके राजी नहीं है। हाँ। ना टैक्सी आ रही है, ना ओला उबर आ रही है, पता नहीं आज इनकी किस चीज़ की। क्या बोलना चाहते हो निखिल? आज ऑटो की हड़ताल है, टैक्सी हड़ताल, आम आदमी कैसे परेशान है आज? आम आदमी इसलिए परेशान है बेसिकली, कुछ साइबर डिपार्टमेंट से हमें भी जाना होता है ऑफिस। हाँ। तो बेसिकली डिपार्टमेंट कभी भी मानते नहीं है कि लेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ। लेकिन हो रही है हड़ताल हो रही है, बोलो और क्या कितने रेट हो रही है ना, आप लोग ऐसे कर रहे हो, हमारी तो फ्लाइट छूट जाएगी। मैडम एक चीज आप क्या बोलना चाहते हो आज टैक्सी और ऑटो की? हमारी परेशानी हो जाती है सर, ओला भी बंद कर दिए, ऑटो भी बंद कर दिए, हम कहाँ जाएंगे इधर सामान लेके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। कहाँ पे मौजूद हो आप इस समय? मैं बलसवा डेयरी स्टैंड पर खड़ा हूँ, पुल पे। अच्छा, तो आज किस को लेकर के आप लोग इतने एकत्रित हो ऑटो चालक आज? सर कहने का मतलब ये है कि हमारी सीएनजी इतने टाइम 74 रुपए है, जहाँ 43 रुपए किलो थी, आज 74 रुपए किलो है। सवारी से किसी से अगर हम पैसे मांगते हैं तो सवारी पैसे 10 रुपए दे के फालतू राजी नहीं है। और दूसरी चीज उल्टा और बोलती होगी, उल्टा बोलती है, और हम मीटर से बोलते हैं, मीटर से 20 रुपए एक्स्ट्रा अगर हम मांगते हैं तो मीटर से पैसे देने के लिए कंप्लेंट कर देती है, 100 नंबर को फोन हो जाता है। आपके सरकार से क्या मांगे? हमारी सरकार से सिर्फ ये मांगे कि हमें सीएनजी पे सब्सिडी मिले। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अगर आप उठा सकते हैं, उनको झुका भी सकते हैं, आने वाले 5 साल के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे आगे। अगली इन्होंने वादा किया था कि ऑटो वाले टैक्सी वाले का किसी नजायज होगा, हम देंगे उनके साथ, हमें हमने पूरा साथ दिया, कोई 1 रुपए नहीं लिया, हमारी गाड़ियां फ्री इलेक्शन में काम कर रही है, प्रचार हमने करा, उसके बावजूद हमारे साथ हमारी गर्दनें काटी जा रही है। अंकल जी, केजरीवाल की एडवर्टाइजमेंट ऑटो पे भी थी, क्या बोलना चाहोगे? ऑटो वाले ही परेशान है। ऑटो हम परेशान इसलिए है कि जो सीएनजी हमारी 43 रुपए थी, आज 75 रुपए के कगार पे आ गई। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम हरीश ध्यानी है। कहाँ मौजूद है इस समय आप? हम लोग बाईपास पे खड़े हैं मुकरबा चौक के। आज यहाँ पे इतनी देर से खड़े होने की वजह बता लीजिए। ये स्ट्राइक पे हैं ऑटो वाले। हाँ जी। क्योंकि सीएनजी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है सरकार ने। हाँ जी। और इनके स्ट्राइक का मैं समर्थन करता हूँ, मैं इनके साथ हूँ और वाकई इनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ जी। और सवारी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ जी। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर दिन प्रतिदिन हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इन्होंने जो सीएनजी के रेट बढ़ाए हैं तो एक आम आदमी पे कितना प्रभाव पड़ेगा। ये सारा दिन ऑटो चला करके जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसके बाद इनके परिवार हैं इनके साथ, इनके बच्चों की पढ़ाई, उनका खाने का खर्चा, ये कहाँ से उठाएंगे? और अगर ये रेट भी बढ़ा दिए जाएँ, अगर आम पब्लिक पर भी इसका फ़र्क डालते हो, इनके रेट भी बढ़ा दोगे तो हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हाँ जी। हम लोगों ने भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, फिर हम इस पर ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे ऑटो में। सर कुछ भी फैसला आता है, बात की जाए, अगर किसी भी चीज़ की दाम बढ़ाई जाती है, इसमें पिस्ता आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे इसको बोलेंगे? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी वैसे तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आम आदमी अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों का हमेशा साथ देने की बात कही थी जब उनकी सरकार बन रही थी, लेकिन आज ये लग रहा है कि सरकार बन चुकी है लेकिन इन ऑटो वालों को भूल चुके हैं वो लोग। मैं अभी वैष्णो देवी से आ रहा हूँ, यहाँ के समझ में आता है कि ऑटो की स्ट्राइक है, हम लोग अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब समझ में आता है कि इनसे मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, इनके दर्द समझ में आ रहे थे, तो मेरे को भी लगता है कि ये गलत नहीं कर रहे हैं स्ट्राइक करके। तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएं? अब यहाँ पे रोड पे खड़े हैं पिछले एक घंटे से। सुनील कुमार, क्या बोलोगे कुमार जी? सर ये है कि हमने जब इन्होंने को जिताया था, फुल बहुमत से जिताया था, इन्होंने कहा कि ऑटो और टैक्सी वाले के साथ हैं हम। आज वो साथ कहाँ गया? इनका हम प्रचार करते थे, कहाँ है आज वो केजरीवाल जी? जब यहाँ पर रैलियाँ निकली थी तो बहुत ऑटो वाले आए थे। सर फ्री प्रचार करा इनका, कोई कुछ नहीं, हमने अपनी गैस फूकी, अपना टाइम बर्बाद करा और 10,000। अब बात सुनिए, आप इसके बाद क्या ये नतीजा दे रहे? हमने इनको जिता के गलती कर दी, इनको हमने सीट पर बैठा दिया गलती कर दी, इन्होंने बस फ्री कर दी तो हमारे पेट पे लात मारी, अब गैस इन्होंने बढ़ा दी तो हमारे पेट पे लात। 300 रुपए में गाड़ी अगर दिहाड़ी पे चलाते गैस महंगी, कहाँ से बच्चे पालेंगे? गैस के पैसे क्या नाम है मैम आपका? आप क्या बोलना चाहते हो ऑटो स्ट्राइक को लेकर? मेरा नाम सपना शर्मा है। मैं यही देख रही हूँ कि जैसे कि अभी ऑटो की स्ट्राइक चल रही है, आज इससे पहले ऑटो वालों को यूज़ किया गया है केजरीवाल जी ने, जब उनको खुद को वोट चाहिए थी और अपने दिल्ली में अपनी सरकार बनानी थी, तो ऑटो वालों के पीछे अपना ऐड लगा के ऑटो वालों को यूज़ किया। आज ऑटो वालों को उनकी ज़रूरत है तो आज उनको उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। जब दिल्ली सरकार की बसें 30-30 रुपये में भरी जा रही हैं तो ऑटो वालों के लिए क्यों नहीं किया गया है? बस में लेडीज़ के लिए उन्होंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, मैं कहती हूँ वो हटा दे। अच्छा। उन चीज़ों को हटा दे, कोई मान्य नहीं रखता। हाँ, लेकिन जिन ऑटो वालों ने उन लोगों का साथ दिया, एटलीस्ट उनका तो सम्मान करे वो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन ऑटो वालों ने उनका सपोर्ट किया और आज जिनकी वजह से वो सरकार में आए हैं, एटलीस्ट उनको तो देखें वो कहाँ सोए हुए हैं केजरीवाल जी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँ। अगर यही वो समझ जाएँ तो सारी समस्याओं